जैसे कि यहाँ देखोगे तरबूज में तो ये विल्ट की समस्या ज़्यादा देखने को आ रही है। और अभी हमने जो पौधा यहाँ पर उचकाया हुआ है तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको फाड़ने में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सूखा हुआ निकल रहा है, जैसे कि यहाँ से आप देखोगे जड़ तो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे किसान भाइयों तो यहाँ पे बिल्ड की समस्या देखने को मिल रही है। अभी शाम का समय है तो यहाँ पे जो बेला है वो काफ़ी खिल चुकी है, पर यदि आप दोपहर में देखते हो तो इसमें जो बेला है वो काफ़ी मात्रा में मुरझाई हुई मिलती है, जैसे कि अभी उसमें आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। तो बिल्ड अभी आ चुका है तरबूज में, बहुत से खेतों में हम देखने को मिल रहा है बिल्ड की समस्या। और अभी हमने यहाँ पे एक बेला उचकाई हुई है तो आप उसमें देखोगे तो इसमें हमको पता चल रहा है, उसको हमको बारीकी से देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बाइट बाइट हो चुका है और ये सूखा हुआ है। मतलब ये सूखा होने का मतलब ये है कि जो विल्ट होता है किसान भाइयों, विल्ट के जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो इसको जाम कर देते हैं, यानी जो नशे है उसको जाम कर देते हैं, जो कैंसर टाइम में होता है। इसको जाम करके जो पौधा भोजन बनाता है, भोजन बनाने की क्रिया करता है, ज़मीन से अपनी जो खादे लेता है वो लेना बंद कर देता है, जिसके माध्यम से होता है क्या है कि विल्ट आगे बढ़ते जाता है और जो भोजन की क्रिया वो बंद हो जाती है और पौधा मुरझाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि भोजन बिल्कुल भी लेना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में हमारा जो फल है वो फलों का साइज़ बढ़ नहीं पाता है, फलों की छोटे छोटे रह जाते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पे फल, तो अभी फल का साइज़ इस प्रकार से है और यहाँ पे बिल्ड की जो समस्या है वो आ चुकी है। इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। कंपनी में किसी भी प्रकार की तो दवाई इनने बनाई नहीं है अभी तक बिल्ड के लिए, कि जो बिल्ड में ही काम करे। इसको हम किसी फंगीसाइड के माध्यम से है या फिर इंसेक्टीसाइड के माध्यम से थोड़ा सा रोकने का प्रयास करते हैं, पर किसान भाइयों ये रुकता किसी से नहीं है। कुछ मात्रा में हद तक इसको हम काबू कर सकते हैं कि एक हफ्ता 15 दिन के लिए किसी प्रकार से रुक जाए, क्योंकि 15 दिन में जो हार्वेस्टिंग के लायक जाएगी, अगर आपकी फसल इस टाइम में हो चुकी है, 1 किलो के फल हो चुके हैं, तो ये एक हफ्ते में आपको कुछ यानी कि तोड़ने लायक का अवस्था आ जाएगी, जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ये जो फसल है वो आपको नुकसान भी करा सकती है। तो किसान भाई उसके बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ फंगीसाइड के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से फंगीसाइड के माध्यम से इसको आप रोक सकते हैं और उसका उपाय आपको किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से उसको आपको देना है। तो किसान भाइयों बिल्ड में जो फंगीसाइड वगैरह का हमको यूज करना है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। हमने प्रिवेंटिव के तौर पर अभी एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको कॉपर और M45 का कॉम्बिनेशन करके आपको 1 एकड़ बिहाना है, जिसके माध्यम से किस किसान भाइयों ने डाला तो वहाँ पर काफ़ी हद तक इसमें आराम देखने को मिल रहा है। पर किसान भाइयों होता क्या है, हम अक्सर देखते हैं कि ये बिल्ड इस पर आसानी से रुकता नहीं है, मतलब इसमें कोई भी फंगीसाइड जो है ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता है, जैसे 8 से 15 दिन का कोई रिजल्ट इसमें देता ही नहीं है, जैसे कि 1 हफ्ते का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कोई भी फंगीसाइड का उपयोग करेंगे। पर अभी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो चुका है, हाई होने के साथ साथ होता क्या है कि हम जब पानी छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम पानी देने में करते हैं। दिन में कभी भी दोपहर में आपको पानी नहीं देना है, आप जब भी दोपहर में पानी दोगे वैसे आपकी मल्चिंग काफ़ी गर्म हो चुकी है, धूप टेम्परेचर काफ़ी देर से, और हम जैसे पानी छोड़ते हैं तो वहाँ पे उसकी भाप बनती है। भाप बनने के कारण क्या होता है कि वो उमस जो होती है, उमस के कारण बिल्ड जो है वो काफ़ी स्पीड में बढ़ता है, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या हम करते हैं। तो पानी आपको कभी भी ठंडे काम बोले तो शाम के समय देना है या सुबह सुबह देना है। तो किसान भाई ये विशेष ध्यान आप यहाँ रखें, जिसके खेत में बिल्ड आ चुका है तो उसको हम कौन से फंगीसाइड के माध्यम से रोक सकते हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। किसान भाई सबसे पहले हम जो फंगीसाइड यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं कॉनिक फंगीसाइड। कॉनिक फंगीसाइड जैसे कि आप देख सकते हो उसमें जो कंटेंट होता है किसान भाइयों उसके बारे में हम बात करते हैं, उसमें जो होता है वो होता है ऑक्सीक्लोराइड होता है, साथ में आपको उसमें मिलता है कासुकामाइसिन। कासुकामाइसिन किसान भाई होता है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कासुकामाइसिन एक प्रकार से बैक्टीनाशक होता है जो बैक्टीरिया को रोकता है, काफ़ी हद तक ये बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। तो हम कासुकामाइसिन का उपयोग करने वाले, कासुकामाइसिन का 1 एकड़ में 500 ग्राम के साथ साथ हम उपयोग करने वाले जो ड्रिंचिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं, मगर अभी की कंडीशन में ड्रिंचिंग होना असंभव है, बोले कि हमारी जो बेल वगैरह है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, फल वगैरह लग चुके हैं, तो हम इसको ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। पर किसान भाइयों इसका जो रिजल्ट है वो आपको 6 से 7 दिन तक ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको प्रिवेंटिव में आने की दूसरी बार फिर से आपको कोई भी दूसरा फंगीसाइड लेना पड़ेगा। तो हम शुरुआत में कॉनिक वगैरह ले सकते हैं, अगर कॉनिक आपको मार्केट में नहीं मिलता है किसान भाइयों तो हम दूसरा फंगीसाइड भी ले सकते हैं। दूसरे फंगीसाइड में जैसे कि जो कोसाइड आता है, कोसाइड में जो कंटेंट होता है किसान भाइयों वो भी कॉपर होता है और ऑक्सीक्लोराइड तो होता ही होता है और हाइड्रोक्लोराइड उसमें दोनों मिक्स आता है, नहीं इसमें हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। पर हमें इसमें साथ में आपको जो जैसे कि बताया कि बैक्टीनाशक आपको लेना है, तो बैक्टीनाशक जो होता है कासुकामाइसिन होता है, स्पेक्ट्रोसाइक्लिन होता है, उसका भी हमें यूज करना है, जब जाकर ये हमारी ज़मीन में थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, आपको काम देगा,
तो इसका आपको उपयोग करना है, तो उसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको कोसाइड लेना है आधा किलो, अगर आप कासू का माइसिन ले रहे हो तो कासू का माइसिन जो लिक्विड में आता है उसको लेना है आधा लीटर, अगर आप स्पेक्ट्रोसाइक्लिन लेना है तो आप स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो आता है एरिस कंपनी का तो उसको लेना है एक पाव, बोले तो ये सूखे फॉर्म में आता है, इसको बढ़िया घोल लें और एक एकड़ में इसको छोड़ दे। एक एकड़ आप जैसे कि आप छोड़ोगे तो उसको भी छोड़ने का समय होगा किसान भाइयों, वो शाम के समय में होगा, मतलब उसको शाम को ही छोड़े या सुबह सुबह छोड़े, दोपहर में आपको पानी बिल्कुल चलाना बंद करना है। किसान भाइयों खादों में आप जब भी डालो, जैसे कि 52-34 का समय आ चुका है, तो 52-34 अगर आप डाल रहे हो तो ये जो फंगीसाइड है उसको ना डालें, 52-34 का बिल्कुल ना डालें। अगर आपने 52-34 डाला हुआ है तो उसको 2-3 दिन बाद ही फंगीसाइड का उपयोग करें। स्प्रे के माध्यम से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको स्प्रे में आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको ज़मीन से छोड़ना है और ऊपर से स्प्रे भी लेते रहना है। स्प्रे के माध्यम से जैसे कि नेटिवो का आप स्प्रे करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, साथ में पाउडरी ब्राउनी का भी खतरा आपको नहीं मिल रहा है। तो आप स्प्रे के माध्यम से नेटिवो ले लें, साथ में आपको नीचे से आपको कोनी के कोसाइट इसका उपयोग जरूर करें। अगर किसान भाइयों समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है तो समस्या को और रोकने के लिए रोको फंगीसाइड वगैरह का आप यूज कर सकते हो, रोको फंगीसाइड जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा इसमें काम करता है। पर किसान भाइयों अभी के समय में जहाँ पर आपके फल आ चुके हैं, फल 1-2 किलो का होगा, तो वहाँ पर आपको जो समय है वो सिर्फ 10-15 दिन का समय हार्वेस्टिंग में लगेगा, तो हमें जो रोकना है वो 10-15 दिन तक रोकना है। तो 10-15 दिन तक आपको कोई भी अगर इसको रोकना है तो आप कॉपर के माध्यम से कोसाइट के माध्यम से उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हो। तो किसान भाइयों इसको इस प्रकार से अगर आप करते हो तो आपका जो प्लांट है वो काफ़ी हद तक आपको मुनाफा देकर जाए।